ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात एक दिन समंदर तट पर टहल रहे थे। समंदर तट पर एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। वह उसके पास गए और उसके सर पर हाथ चलाया और पूछने लगे, बालक तुम रो क्यों रहे हो? तो बालक कहने लगा, मेरे हाथ में ये जो प्याला है, मैं इसमें पूरे समंदर को भरना चाहता हूं, मगर यह मेरे प्याले में नहीं आ रहा है। यह बोल सुनकर सुकरात विस्माद में चले गए और रोने लग गए। बच्चा कहने लगा, बाबा तुम ही मेरी तरह रोने लग गए, मगर तुम्हारा प्याला कहाँ है? तो सुकरात कहने लगा, बालक तुम छोटे से इस प्याले में समंदर को भरना चाहते हो, मैं इस छोटी सी बुद्धि के अंदर सारे संसार का ज्ञान को भरना चाहता हूँ, मगर आज तुम्हें देखकर पता चला है कि समंदर प्याले में नहीं समा सकता। यह बोल सुनकर बच्चे ने प्याला समंदर में फेंक दिया और कहने लगा, सागर अगर तुम प्याले में नहीं आ सकते तो मेरा प्याला तो तुझ में आ सकता है। सुकरात उस बच्चे के पांव में गिर गया और कहने लगा, तुमने बहुत कीमती बात मुझे बताई है, हे ईश्वर तुम तो सारे के सारे मुझ में नहीं समा सकते, मगर मैं सारे का सारा तुझ में समा सकता हूँ। अगर कोई यह चाहे कि सूरज मेरे घर में, मेरे आंगन में आ जाए, तो यह बहुत कठिन होगा। जमीन से हजारों गुना बड़ा सूरज और छोटे से मैदान में किस तरह आ सकता है? हाँ, उसका प्रकाश जरूर आ सकता है। परमात्मा की ज्योत तो हर जगह प्रकट हो सकती है, मगर सारे का सारा परमेश्वर मनुष्य में लीन नहीं हो सकता। हाँ, मनुष्य चाहे तो पूरा का पूरा उस परमेश्वर में लीन हो सकता है। मनुष्य संसार और निरंकार के संबंध में कितना ही क्यों ना जान ले, उसकी जानकारी अधूरी होगी। मगर जब ऐसा समझा जाता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, तो यह अहंकार से भरपूर रूप प्रकट करता है और अहंकार परम सुख की प्राप्ति में दीवार खड़ी कर देता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमान करते हैं, हर जीव अहंकार न पावे वेद को सुनावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।